और हिंदी दिवस के अवसर पर हम आज सीखेंगे एक वर्ग पहेली के माध्यम से कुछ ऐसे नाम इसमें से छांटने हैं जिनका महान विभूतियों से संबंध है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें से हम कुछ ऐसे नाम ढूंढेंगे, ऐसे नाम छिपे हुए हैं जो महान विभूतियों के नाम हैं और इस वर्ग पहेली में से हमें उन्हें खोजना होगा। तो आप लोग भी हमारी मदद करेंगे किस तरह से उन्हें हम खोज सकते हैं। और देखिए शुरुआत करते हैं, तो इसके सबसे पहले देखेंगे इसके किस तरह से हम छांटते हैं, किस तरह से हम इसमें से ढूंढेंगे। एक है ऊपर से नीचे, यानी ये एरो लगा हुआ है, हमें ऊपर से नीचे की तरफ ही ढूंढना है। जैसे लिखा हुआ है सी डी टी ऐसे, मतलब ऊपर से नीचे ढूंढना है। उसके बाद कुछ नाम ऐसे होंगे जो बाएं से दाएं, मतलब एरो लगा हुआ है ऐसे, तो हमको उन्हें ऐसे खोजना है, बाएं से दाएं की तरफ देखेंगे। तो देखते हैं किस तरह से हम ढूंढ पाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे ही खोजेंगे। ऊपर से नीचे खोजने के लिए क्या करना है हमको, सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। जैसे यहीं से देखेंगे भीम राव अंबेडकर, बिल्कुल मिल गया। तो पहले नंबर पे हमें ये मिला यहाँ से भीम राव अंबेडकर, एक नाम हमें मिल गया है। भीम राव अंबेडकर को सभी जानते हैं, भीम राव अंबेडकर महापुरुष हैं, महान विभूति हैं, एक नाम हमें मिला। उसके बाद इस पर नाम नंबर भी डाल सकते हैं, नंबर एक। उसके बाद फिर ऊपर से देखेंगे मा आ त महात्मा बुद्ध, तो यहाँ तक दूसरा नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा महात्मा बुद्ध, ये हमारा दूसरा नाम हो गया महात्मा बुद्ध, सही है। आप लोग भी कोशिश करते रहिएगा और आपको मुझसे पहले मिल जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उसके बाद फिर ऊपर से देखेंगे वित्मा नहीं है, उसके बाद यहाँ देखेंगे कोई नहीं मिल रहा है, उसके बाद सी भी नहीं है, उसके बाद वा नहीं है, उसके बाद यहाँ देखेंगे जीड है वह नहीं है। इसी तरह से ऊपर से फिर कोशिश करेंगे, जैसे लिखा रहा गु रु गुरु ने आ ने के गुरु नानक, बिल्कुल सही है, एक शब्द है हमारा, एक नाम यहाँ से मिला हमें गुरु नानक। इस तरह से हमारे तीन नाम मिल गए, तीन महान विभूतियों के नाम हमने खोज लिए। उसके बाद फिर देखेंगे आगे दीन दयाल, दीन दयाल, उसके बाद उपाध्याय, यहाँ तक एक ही नाम होगा दीन दयाल उपाध्याय। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा एक नाम और मिलेगा। इस तरह से हमारे हमने चार नाम खोज लिए, यहाँ तक हमारे चार नाम हो गए, चार नाम खोज लिए। तो इसका मतलब है ऊपर से नीचे, अच्छा ये जरूरी नहीं है यहीं से होगा, यहाँ से भी शुरू हो सकता है, तो यहाँ से भी आप खोजने की कोशिश करेंगे। जैसे भास रो नहीं है, यहाँ से देखेंगे धा सा फा नहीं है, ऊ ना व नहीं है, उसके बाद यहाँ से देखेंगे बोला ये भी नहीं है। तो उसके बाद हम देखेंगे बाएं से दाएं, बाएं से दाएं देखेंगे। तो बाएं से दाएं में हम देखते हैं कौन कौन से नाम हमें मिलते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं उसकी भी। भीम वीर, भीम वीर तो कोई नाम नहीं है, उसके बाद यहाँ से देखेंगे वीर शिवाजी, वीर शिवाजी नाम है, तो एक नाम हमें और मिल गया, ये हो जाएगा वीर शिवाजी, वीर शिवाजी। इस तरह से हमारे कितने नाम हो गए, पांच, पांच नाम खोज लिए। उसके बाद फिर यहाँ से देखेंगे महात्मा, महात्मा गांधी, यहाँ तक एक नाम और मिल गया, ये हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। इस तरह से आपके नाम मिले छः। उसके बाद फिर देखेंगे इसी लाइन में और देखिएगा कोई खड रू नहीं होगा, उसके बाद क्या है यहाँ रात्मा ये भी नहीं है, उसके बाद आगे से यहाँ से देखेंगे भगत, भगत बिल्कुल सही है, एक नाम बन रहा है। उसके बाद फिर लिख रहा है भगत सिंह, तो भगत सिंह भी महान विभूतियों में से एक है, तो एक नाम हमें इस तरह से और मिल जाएगा। बहुत ही रोचक है, आप लोग कोशिश करिएगा, आप लोग भी इसमें से खोज के हमें बताइएगा भगत सिंह। लेकिन यही है कि नियम का ध्यान रखेंगे, बाएं से दाएं और दाएं, बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे ही हमें खोजना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में देखेंगे वा वो कोई नहीं है, उसके बाद यहाँ से राणा प्रताप, राणा प्रताप, उसके बाद हमें एक नाम और मिल गया। इस तरह से हमारे
नाम अब तक आठ नाम हो गए हैं, आठ नाम हमने खोज लिए, राणा प्रताप। उसके बाद देखिए यहां से ही देखेंगे, यहां तक नहीं मिल रहा है अद, अब से कोई नाम नहीं बन रहा। उसके बाद है ऊधम, ऊधम सिंह, एक नाम हमें और मिला ऊधम सिंह। तो इस तरह से हम हिंदी दिवस पर कुछ खास भी कर रहे हैं, हिंदी में ही आज वीडियो देख रहे हैं ऊधम सिंह। उसके बाद यहाँ से ये नाम हमारा हो चुका है, तो यहाँ से कोई भी नहीं बनेगा। उसके बाद यहाँ से फिर देखेंगे सुभाष, सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही है। तो एक नाम हमारा और मिल गया सुभाष चंद्र बोस। तो इस तरह से हमारे नाम अब तक महानुभूतियों के 10 नाम हमने खोज लिए हैं, 10। उसके बाद फिर देखेंगे बाएं से दाएं, यहाँ से द आ स कोई नहीं है, यहाँ से कोशिश करते हैं आ स फाक, अस्फाक उल्ला कापा, ये नहीं है, तो अस्फाक उल्ला, अस्फाक उल्ला तक एक नाम हमें और मिल गया। इस तरह से नाम हमारे हो गए भी 11 नाम हमने खोज लिए हैं, 11 महान विभूतियों के नाम आपके सामने हैं। उसके बाद और देखिएगा, अभी हमारे पास 3 पंक्तियां और बची हैं, 3 पंक्तियों में हो सकता है और मिलेगा क स र कसरो, कसरो कोई नाम नहीं होता है। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ से शुरू करते हैं स र ओ ज सरोज, सरोज तो नाम है लेकिन आगे देखते जाए सरोजनी नायडू, यहाँ तक पूरा नाम होगा सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू एक नाम है और मिला। इस तरह से 12 नाम, 12 महान विभूतियों के नाम हमने इस वर्ग पहले के माध्यम से देखे। उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ रा कुछ नहीं होता है, रे या नहीं, रानी रानी होता है लेकिन पूरा पढ़ेंगे रानी दुर्गावती, तो एक नाम है और मिल गया रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती। इस तरह से नाम हमें 13 नाम हमने खोज लिए हैं। उसके बाद और देखते हैं, एक पंक्ति और बची है हमारे पास, और आप देख रहे हैं बहुत ही रोचक है और आपको आनंद आ रहा होगा। इस तरह से वर्ग पहेली में इधर उधर कुछ अक्षर लिखे हुए थे, उसी के माध्यम से हम महान विभूतियों के नाम खोज रहे हैं और हमें सफलता भी मिल रही है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ महारानी लक्ष्मी बाई, फिर उसके बाद है, तो है को हटा देंगे, महारानी लक्ष्मी बाई, यहाँ तक एक नाम हमें और मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारी पहेली में से, इस पहेली में हमने 14 नाम महान विभूतियों के खोजे। तो इस तरह से आप भी, इस तरह की कोई पहेली होती है तो इस पहेली के माध्यम से ये देखेंगे किस तरह से इसमें से खोजते हैं। तो सबसे पहले तो हमें संकेत देखने, संकेत क्या है, ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं। ऊपर से नीचे का मतलब है ऊपर से हमें नीचे की तरफ खोजना है, जरूरी नहीं है ऊपर से यहीं से खोजना है, यहाँ से भी शुरू हो सकता है आपका नाम, यहाँ से भी शुरू हो सकता है, यहाँ से भी शुरू हो सकता है आपका, यहाँ से भी शुरू हो सकता है। ठीक इसी तरह से बाएं से दाएं में जब देखेंगे तो बाएं से दाएं में भी आपका शुरू से भी शुरू हो सकता है, या फिर हो सकता है जैसे आपने ये देखा भगत सिंह यहाँ से शुरू नहीं हुआ, वो 2 कॉलम छोड़ने के बाद शुरू हुआ है, ऐसे 2 स्तंभ छोड़ दिए हमने उसके बाद शुरू हुआ है भगत सिंह। तो इस तरह से हमको कोशिश करनी है कि पूरे में देखना है कहाँ से वो नाम शुरू हो रहा है, और इस तरह से हम वर्ग पहेली को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हिंदी दिवस के अवसर पर हमने हिंदी की बुक से ही कक्षा 4 की कलम से हमने पाठ नंबर 20 है चाचा का पत्र, उसमें ये पहेली दी हुई है, आप भी उस किताब में ये पहेली देखेंगे और उसमें से आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है ये पहेली आपको पसंद भी आई होगी। तो इस तरह से इन पहेलियों को आप भी सॉल्व करें, हल करें